चलिए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की, जो कि भोपाल से मिल रही है, जहां मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान सामने आया है। आदिवासी मुख्यमंत्री बनाए जाने पर गृह मंत्री ने कहा कि उमंग सिंगार ने आदिवासी मुख्यमंत्री की मांग की थी, अपन तो उमंग सिंगार के कायल हैं, वे जिस तरह ताल ठोक कर बात करते हैं वो गजब है। कांग्रेस ने सदैव जनजाति वर्ग की उपेक्षा की है। तो बड़ा बयान यहाँ पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिया है। आदिवासी मुख्यमंत्री बनाए जाने पर बड़ी बात यहाँ पर गृह मंत्री ने कही है। उन्होंने उमंग सिंघार के आदिवासी मुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग पर उन्होंने कहा है कि अपन तो उमंग सिंघार के कायल है। कायल है, सही बात कहना, ठोक के कहना, ऐसी ही बात उन्होंने जैसी अभी आदिवासी मुख्यमंत्री की बात कही है। जब सरकार में थे तब उन्होंने कहा था पर्दे के पीछे से सरकार जो चला रहे थे चचा जान दिग्विजय सिंह जी, राजा साहब, उन्होंने कहा था कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा माफिया दिग्विजय सिंह जी, शराब माफिया, खनिज माफिया दिग्विजय सिंह है, सबसे बड़ा भ्रष्ट अगर कोई मध्य प्रदेश में है तो दिग्विजय सिंह है, उन्होंने कहा था। और अचंभा यह है कि आज तक उमंग सिंगार की बात का दिग्विजय सिंह जी ने खंडन नहीं किया। आज उन्होंने फिर कहा है कि आदिवासी मुख्यमंत्री बनना चाहिए। कमलनाथ जी कुछ तो जवाब दो, आपके पार्टी के नेता हैं, उन्होंने पहले भी कहा और अभी भी कह रहे हैं।